नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो हमारा रीट 2019 शिक्षक भर्ती का वीडियो है, ये है राजनीति विज्ञान वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 6। दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 6 आज हमारा रहेगा, जिसके अंदर हम आज क्लियर करेंगे 76 से लेकर 90, यानी 76 से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है वो आज हम क्लियर करेंगे। आज का जो पूरा जो वीडियो हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्तों आपके प्रधानमंत्री के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री के इस क्वेश्चन इसमें मैंने डाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाने के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन की हम बात करें कि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी पहले इसका नाम था योजना आयोग, लेकिन 2015 में इसे चेंज करके इसका नाम रख दिया गया नीति आयोग। प्रधानमंत्री किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रधानमंत्री किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री केवल संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है दोस्तों, और किसी की नियुक्ति करनी, यही राज्य में लागू होता है। राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो संसदीय सचिव नियुक्ति करता है, उसके अलावा प्रधानमंत्री किसी नियुक्ति करता, जो मंत्रिपरिषद है और अन्य जो है उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964। सबसे लंबा कार्यकाल में मृत्यु होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी यही थे। भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तब, और लाल बहादुर शास्त्री 1966 में मृत्यु हुई तब भी, दोनों बार ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री, तो दोस्तों भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 1966, ठीक है, उन्हीं के समय 1965 में भारत पाक युद्ध भी हुआ था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, 1966 से 1977, 1977 से 1980 से 1984, आपातकाल इन्हीं के समय लगाया गया था। भारत पाक 1971 युद्ध भी इनके समय हुआ था। भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, 1977 से 1979 जनता दल की सरकार बनी थी। भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लिया था, तो दोस्तों वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, 1979 से 1980 कुछ माह प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के युवा प्रधानमंत्री, तो भारत के युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, मात्र उनकी उम्र थी 42 साल की जब वह बने थे, और भारत 1984 से 1989 वो प्रधानमंत्री रहे थे। और भारत के वह प्रधानमंत्री जो अविश्वास प्रस्ताव हारे, यानी अविश्वास प्रथम बार प्रस्ताव हारने वाले थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें मंडल आयोग, जिनके समय मंडल आयोग लगा था। भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर झंडा नहीं फहराया वो थे चंद्रशेखर, जो कि वीपी सिंह के बाद में प्रधानमंत्री बने थे कुछ महीनों के लिए। भारत के वह प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनते समय संसद के सदस्य नहीं थे, तो दोस्तों वो थे पीवी नरसिम्हा राव, जो उस समय संसद के सदस्य नहीं थे, बाद में बने थे। आपको पता है कि एक कंडीशन है, अगर कोई भी व्यक्ति मंत्री हो तो वो जो है संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर नहीं हो तो उसे 6 माह में सदस्यता लेनी पड़ेगी। भारत के वह प्रधानमंत्री जो मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री थे, तो वो दोस्तों थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो 13 दिन, उसके बाद रहेंगे 13 माह, और उसके बाद 5 साल, यानी 3 बार में उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा किया था। अगले हैं भारत के राज्यसभा से बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, दोस्तों वो है एचडी देवेगौड़ा। अब तक 4 प्रधानमंत्री राज्यसभा से आए हैं, प्रथम थी इंदिरा गांधी, द्वितीय थे एचडी देवेगौड़ा, तृतीय इंद्र कुमार गोदान, और चौथे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों, ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा दिए। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको इसी प्रकार की वीडियो लेके आता रहूँगा। और आपसे एक बात पूछनी थी कि आप पॉलिटिकल साइंस के अलावा मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी के वन लाइन क्वेश्चन डालना शुरू कर दूँ, अगर आपको आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।